हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव इंटरेक्शन के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में चर्चा करेंगे। साथ साथ हम ये देखेंगे कि किस तरह के सवाल सीएसआईआर नेट एग्जाम में, साथ ही साथ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए बिल्कुल हम इसको सरल भाषा में समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इसको पसंद करते हैं और समझ में आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो जो बेसिक भाषा में डिस्कस किए गए आप उसको देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव इंट्रैक्शन क्या है और ये कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करें। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दो सेल है और दो सेल का इंट्रैक्शन आपस में सिग्नलिंग के थ्रू इंट्रैक्शन या कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट इंट्रैक्शन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सेल के डेवलपमेंट के लिए और उसके फेट को डिटरमाइन करने के लिए। और ये जो इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव इंट्रैक्शन है, ये दो तरीके इंडक्टिव इंट्रैक्शन के प्रकार हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन है क्या। अब हम देखते हैं कि कोई सेल ए है जो कि इंड्यूसिंग सेल है, और इंड्यूसिंग सेल है तो ये इस तरह का सिग्नल निकाल रहा है, कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है इंड्यूसिंग सिग्नल। और ये इंड्यूसिंग सिग्नल अगर अपने टारगेट सेल पर एक्ट करता है तो न्यूक्लियस में जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो हमने यहाँ देखा क्या कि इंड्यूसिंग सेल का जो सिग्नल है टारगेट सेल पर एक्ट किया और इस तरीके से ये सिग्नलिंग डिपेंडेंट एक्स जीन का एक्सप्रेशन हुआ। एक्स जीन हमने माना कि एक्स जीन का एक्सप्रेशन हुआ। अब बात यहाँ समझते हैं कि इंड्यूसिंग सेल डिफरेंट तरीके के सिग्नलिंग निकाल सकते हैं और जो नए टारगेट सेल पर एक्ट करेंगे और नए तरह का जीन को एक्सप्रेशन को प्रमोट करेंगे, तो ये इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। मतलब एक सेल इंड्यूसिंग होता है और इंड्यूसिंग जो सिग्नल है एक्ट करता है, कहाँ पर ये सिग्नल एक्ट करता है आपके टारगेट सेल पर एक्ट करता है, और बेस्ड अपॉन द सिग्नल किस तरह के सिग्नल है उसी के अनुसार टारगेट सेल का न्यूक्लियस में जीन का एक्सप्रेशन होता है और जीन का एक्सप्रेशन होकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो इस तरह को हमने देखा क्या, इंड्यूसिंग सेल इंस्ट्रक्ट कर रहा है टारगेट सेल को कि इस तरह का जीन एक्सप्रेशन करना है, इस तरह का प्रोटीन बनाना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन। और डिफरेंट तरह के सिग्नल के आधार पर डिफरेंट तरह के टारगेट सेल का रिस्पांस डिफरेंट होता है। मतलब टारगेट सेल अपने आप को इंतजार करते रहते हैं इंड्यूसिंग सिग्नल का और उसके अनुसार अपना रिस्पॉन्स करते हैं। अब आगे को हम लोग इसको समझते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इंस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल की बात करें, इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन की बात करें, तो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है लेंस इंडक्शन इन जूनोपस, बहुत सिंपल और अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें होता क्या है कि ऑप्टिकल वेसिकल्स, आप नाम जानते हैं अपने, ऑप्टिकल वेसिकल्स जो है इंड्यूस करता है और सीक्रीट्स करता है कुछ पाराक्राइन फैक्टर जैसे BMP4, FGF8। तो इस तरह का जो फैक्टर है जो एक्ट करता है, कहाँ पर एक्ट करता है, हेड इक्टोडर्म रीजन वाले सेल पर एक्ट करता है और इनिशिएट होता है लेंस का फॉर्मेशन। हमने देखा क्या कि ऑप्टिकल वेसिकल्स जो हैं इंड्यूस करते हैं, ये जो सेल्स हैं इंड्यूस करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं, पाराक्राइन फैक्टर्स हैं जो सिक्रेट कर रहे हैं, जो कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं आपके जो टारगेट रिस्पॉन्स सेल है हेड इक्टोडर्म पर काम कर रहे हैं और हेड इक्टोडर्म रीजन पर काम करते हैं और ये इनिशिएट करते हैं लेंस का फॉर्मेशन। तो हमने देखा क्या कि कैसे इंड्यूसिंग सेल रिस्पॉन्स या टारगेट सेल पर एक्ट करके बेस्ड अपॉन द सिग्नल है ना अपना लेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं परमिसिव इंट्रैक्शन। तो परमिसिव इंट्रैक्शन के बारे में थोड़ा समझने के लिए थोड़ा पहले बेसिक हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि मान लीजिए कि कोई ये टारगेट सेल है, तो ये क्या है, ये टारगेट सेल है और इस सेल में कोई
प्रोटीन बनाना है, कोई भी प्रोटीन हो सकता है, मान लीजिए कि सेल को वाई प्रोटीन बनाना है, तो ये सेल ऑलरेडी डिटरमाइन है, मतलब ये जो सेल है, जो टारगेट सेल है, ये वाई प्रोटीन का निर्माण करेगा, ये ऑलरेडी डिटरमाइन है। बस इसको जरूरत क्या है कि इस तरह का एनवायरनमेंट मिले, सेल को इस तरह का एनवायरनमेंट मिले कि वो वाई प्रोटीन बनाना चालू कर दे। तो सरल भाषा में कहें तो ये परमिसिव इंटरैक्शन में टारगेट सेल का फेट ऑलरेडी डिटरमाइन होता है, बस उसको एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, और ये एनवायरनमेंट एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट जो कि वाई प्रोटीन ऑलरेडी डिटरमाइंड है वो करेगा। अब बात करते हैं कि इस तरह के कंडीशन में जो सेल्स जो होते हैं, जैसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, हम आगे देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से भी, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल अगर दो सेल है तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, तो ये भी काफ़ी सेल सिग्नलिंग में मतलब मदद करता है, इंट्रैक्शन में मदद करता है, इसके डेवलपमेंट में मदद करता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अल्टर नहीं कर सकता है, क्या नहीं अल्टर कर सकता है, ये जो वाई प्रोटीन के अलावा कोई दूसरा प्रोटीन बनाने दे, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है अल्टर नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है, जो ऑलरेडी इसका फेट, इस सेल का फेट डिटरमाइन, उसको बदल नहीं सकता है। बस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक कंडीशन प्रोवाइड कर सकता है कि जो फेट है, जो ऑलरेडी डिटरमाइन फेट है कि वाई प्रोटीन बनाएगा, तो जस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक तरह का कंडीशन और एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ताकि ये वाई प्रोटीन बन सके इस तरह के सेल में। तो यहाँ पर हम बेसिक अंतर क्या है कि इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन में बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रक्शन जो टारगेट सेल है अपना रिस्पॉन्स लेते हैं, लेकिन इसमें टारगेट सेल का रिस्पॉन्स या डिफ्रेंसिएशन जो भी है वो फिक्स है, डिटरमाइंड है, बस आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जो सिग्नल मिल रहा है कंडीशन क्रिएट कर रहा है ताकि वाई प्रोटीन का निर्माण हो सके। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है डिफरेंशिएशन एंड रीबिल्ड ऑफ बीटिंग हार्ट, जो हार्ट में, हार्ट की बात करते हैं, मसल का जो निर्माण होता है हार्ट में, मसल से जो हार्ट बनते हैं, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रमोट करते हैं, एक तरह का परमिसिव इंट्रैक्शन अलाउ करते हैं, और एज ए रिजल्ट हार्ट का निर्माण होता है। तो हम इसको देखते और समझते हैं। एक एग्जाम्पल है जो काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल है, और उसमें बताया गया है कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का रोल है, सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो का रोल है मतलब हार्ट के डेवलपमेंट में। तो इसके लिए क्या किया गया कि आपको रिमूव किया गया, जैसे आपने लिया गया हार्ट सेल्स को लिया गया जो हार्ट का निर्माण कर रहे थे, उस सेल्स में ट्रीटमेंट किया गया, SDS से ट्रीटमेंट किया गया, और ट्रीटमेंट करने के 12 घंटे के बाद इस SDS ट्रीटमेंट से सारे सेल अलग हो गए और बचे क्या, सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसमें बचे। शुरू में क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल सारे थे और ऑल टुगेदर हार्ट थे, लेकिन अल्टीमेटली जब ट्रीटमेंट कर दिया गया SDS से तो सिर्फ क्या बचे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब क्या किया गया कि इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को आपने निकाल लिया, तो डीसेलुलराइज़ मतलब सेल को रिमूव कर लिया, तो सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बचा। अब और क्या किया गया कि इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को आपने निकाल लिया और इसको फ्यूज किया गया, इन्फ्यूज किया गया कार्डियोमायोसाइट से, फ्यूज किया। तो जब फ्यूज किया गया कार्डियोमायोसाइट्स जो कि मतलब कार्डिक मसल्स का निर्माण करते हैं और अल्टीमेटली हार्ट का निर्माण होता है, तो जैसे ही नॉर्मली कार्डियोमायोसाइट सेल्स अगर उसके साथ ECM ना दिया जाए तो हार्ट का निर्माण ना करें, ऑल दो कार्डियोमायोसाइट्स सेल जो है हार्ट का ही निर्माण करेंगे, लेकिन ECM जरूरी है, क्यों, क्योंकि सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, परमिसिव कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, परमिसिव इंट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे, और अल्टीमेटली क्या देखा गया कि ECM
जो आपने अभी निकाला था ECM एक्सेसिबल मैट्रिक्स जो कि डी सेल वाइज था, उसमें सेल्स नहीं थे, उसको फ्यूज किया गया कार्डियोमायोसाइट से, तो सेल डिफरेंशिएट कर गया और नया रीसेलाइजेशन मतलब नए हार्ट का निर्माण हो गया, हार्ट बन गया और वो बीटिंग भी करने लगा। बीट मतलब जैसे हार्ट का नॉर्मल जो फंक्शन है बीटिंग करना, वो करने लगा। यहाँ पर हमने सीखा क्या कि ECM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि दो सेल के बीच में मौजूद होते हैं जनरली, वो कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं परमिसिव इंट्रैक्शन के लिए और ये अलाउ कर रहा है कार्डियोमायोसाइट्स को रीबिल्ड द बीटिंग हार्ट। हमने यहाँ देखा क्या कि कैसे बेसिक अंतर है आपका इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव इंट्रैक्शन। इंस्ट्रक्टिव मतलब वो इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको क्या बनना है, लेकिन परमिसिव इंट्रैक्शन में ऐसी बात नहीं है, उनको मालूम है कि वही बनेंगे, बट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि एक तरह का कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं इंट्रैक्शन के थ्रू, कंडीशन प्रोवाइड करें कि वो सेल को इंट्रैक्शन के थ्रू सिग्नलिंग करें और अल्टीमेटली वो जो ऑलरेडी डिटरमाइंड फेट है उसका निर्माण हो। तो हमने देखा कि क्या बेसिक अंतर है, साथ ही साथ इस तरह के सवाल काफ़ी CSIR में पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं 6202692436 पर। साथ ही साथ आप JK बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बहुत सारे वीडियो सिंपल भारत भाषा में बात किए गए, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और पसंद आया चैनल तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए हम अब सवाल को देखते हैं। यह जो सवाल है दिसंबर 2015 में पूछा गया, काफी सिंपल सवाल था, बता रहा है क्या कि इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव इंट्रैक्शन आर टू मेजर मोड्स ऑफ इंडक्टिव इंट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सही है, द फॉलोइंग कंपेयर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेल लाइन एंड सेल कॉर्ड स्टेम सेल्स, और यहाँ पर कंपेयर किया गया है सेल लाइन और सेल स्टेम सेल के। सेल लाइन के बारे में बताया गया है विच इज स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, आप उसको इस लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं एंड कैन बी रिट्राइव फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो आप उसको चाहें तो रिट्राइव भी कर सकते हैं। वेयर दे बिहेव एज द ओरिजिनल सेल, जो पहले के तरह थे उसी के तरह बिहेव करते हैं। कॉर्ड्स ब्लड स्टेम जो रिट्राइव करते हैं अगर लिक्विड नाइट्रोजन से, लिक्विड नाइट्रोजन जब स्टोरिंग के पर्पस में काम आता है तो स्टेम सेल को अगर उसे रिट्राइव करते हैं तो अनलाइक सेल लाइन, जो सेल लाइंस हैं उनके तरह स्टेम सेल बिहेव नहीं करते। स्टेम सेल्स कैन एडिशनली इंड्यूस एंड अंडरगो डिफरेंशिएटेड टू द डिजायर लाइन, स्टेम सेल में आप जैसा चाहें आप अपने कंडीशन के अनुसार इंड्यूस कर सकते हैं और डिजायर लाइन है जैसे मसल्स किडनी जो भी आपको बनाना है बना सकते हैं, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सेल, जो कि सेल लाइन की तरह से काफी डिफरेंट था, सेल लाइन ओरिजिनल सेल पर रहते थे। दिस बिहेवियर ऑफ सेल लाइन एंड स्टेम सेल इज जेनरलाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन, काफी सिंपल है, बोथ सेल लाइन एंड स्टेम सेल शो इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन, नो दोनों इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सेल लाइन इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि सेल लाइन का जो फेट है ऑलरेडी डिटरमाइंड है, जिस चीज का सेल लाइन रहेगा वही बनेगा, बस उसको कंडीशन प्रोवाइड करने की जरूरत है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सेल लाइन सो इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन, ये भी गलत है, सेल लाइन इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन नहीं है, ऑलरेडी सेल का फेट डिटरमाइंड है, ये बनना है जिस चीज का सेल लाइन, मसल का सेल लाइन तो मसल बनाएगा, किडनी का सेल है तो किडनी सेल बनाएगा, तो उसमें आप चाहें तो इंस्ट्रक्शन दे के भी आप कुछ कर नहीं कर पाएंगे। वेयर स्टेम सेल परमिसिव इंट्रैक्शन, जो कि ये भी गलत है, परमिसिव इंट्रैक्शन में आप चेंज नहीं कर सकते डिफरेंट तरह के सेल्स, सेल सो परमिसिव इंट्रैक्शन, सेल सो परमिसिव इंट्रैक्शन, सेल लाइन सो वेयर स्टेम सेल इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन, ये सवाल बिल्कुल सही है, आंसर जो सवाल का है बिल्कुल सही है कि सेल लाइन परमिसिव इंट्रैक्शन शो करता है, उसका डिजायर फेट ऑलरेडी डिटरमाइंड है, बस उसको कंडीशन चाहिए ताकि वो बन जाए उस तरह के, स्टेम सेल इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन बिल्कुल सही, यही कारण है कि स्टेम सेल जो हुआ कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल जो है कि आप उसको आइसोलेट करते हैं मतलब लिक्विड नाइट्रोजन निकालते हैं और जिस तरह का कंडीशन में आप उसको रखेंगे, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन देंगे, जिस तरह से इंड्यूस करेंगे, वो स्पेसिफिक लाइन इसको एक्वायर करेगा।
बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स हो परमिसिव इंटरेक्शन, बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स हो परमिसिव इंटरेक्शन, बोथ सेल्स टाइप ऑफ हो परमिसिव इंटरेक्शन, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका सही आंसर 3 होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपना कॉमेंट जरूर लिखें। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।